बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि मानसिक संभोग होता है, क्योंकि शारीरिक संभोग में तो शरीर की कुछ ऊर्जा ही खर्च होती है जो फिर से बन जाती है, लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर हमारे साथ चलता है। वो हमेशा हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है। जो भी इंसान अतीत में हुए संभोग या फिर भविष्य में होने वाले संभागों में अपने विचारों को केंद्रित रखता है, वो अपनी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता है। अगर इंसान विचारों से निकलकर प्रतिफल वर्तमान का आनंद लें, तो वो अपनी मानसिक काम वासना की ऊर्जा को बचा सकता है। बहुत अधिक मानव जाति संभोग से परेशान नहीं है, उस संभोग के विचारों से तनावग्रस्त हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में अधिकतर समय काम वासना के विचार ही चलते रहते हैं, और इसी कारण उनके मन की बहुत अधिक ऊर्जा उन विचारों में नष्ट होती रहती है। अगर उसने शारीरिक संभोग किया होता तो उसकी शारीरिक ऊर्जा कुछ पलों के लिए नष्ट होती और वो फिर से बन जाती, लेकिन मानसिक संभोग हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हमेशा अधोगामी होती चली जाती है। तो इस मानसिक संभोग से, मानसिक काम वासना के विचारों से बाहर आने के लिए बुद्ध ने क्या तरीका बताया? बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से टकराते रहते हैं, तब तक हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, और जब हम एक बार उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारा ध्यान वहां से अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, हमारा चित्त उसकी उलझन में नहीं रहा, इसीलिए अब हमारा मन उससे आजाद हो गया है। हम अधिकतर समय ये सोचने में लगा देते हैं कि हमें काम वासना के विचारों से छुटकारा पाना है। किस तरह पाना है, इसके नाना प्रकार के उपाय भी खोजते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। वो विचार हमारे मन को गिरफ्त में रखते हैं, क्योंकि हमारा चित्र उससे उलझ रहा है, उससे बचने का समाधान खोज रहा है, उपाय खोज रहा है। हमने कभी पूरे मन से ये स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ, मैं एक कामुक व्यक्ति हूं, यही मेरा स्वभाव है। हम अपने आप से कभी बोल ही नहीं पाते। अगर बोल पाते तो हमारा चित्त और हमारा मन इन विचारों से अपना ध्यान हटा पाता। बहुत मजे की बात है, जिस भी चीज से हम बचना चाहते हैं, हम उसी चीज का चिंतन शुरू कर देते हैं, और हम जितना ही उस बारे में चिंतन करते जाते हैं, वो हमारे चित्त में उतनी ही गहरी बैठती चली जाती है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा मन उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचता है, मतलब कि हमारा ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। अगर हम अपनी उस स्वभाव को स्वीकार कर लेते तो हमारा ध्यान किसी दूसरे केंद्र पर अपने आप स्थापित हो जाता है। लोग अपनी काम वासना को मिटाने के लिए, उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए नाना तरह के प्रयोग करते हैं, नाना तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई व्रत करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई अपने शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है, समय समय पर उपवास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भोजन जो ऊर्जा हमें देगा उससे काम वासना पैदा होगी। इसीलिए वो सोचता है कि अपने शरीर की ऊर्जा को उतना ही रखो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन भी वो अपना उपवास टूटेगा या फिर पेट भर भोजन खाएगा, उसी दिन वो काम की शक्ति फिर से लौट आएगी और वो विचार फिर से उसके मस्तिष्क को घेर लेंगे। उसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को स्त्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो उनके संपर्क में आते हैं, उसी दिन उनकी कामुकता फिर से जाग उठती है। चाहे आप ऊंचे पर्वतों में चले जाए जहां पर मानव जाति पाई ही नहीं जाती, लेकिन जिस दिन आप संसार में वापस लौटेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आपकी काम वासना पहले से भी ज्यादा अधिक हो चुकी है। इसीलिए अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये काम वासना और इसके विचार जिंदगी भर हमें परेशान करते रहेंगे। इसके उपाय मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती है। पुराने यूनान में एक कम्युनिटी बसती थी। उस कम्युनिटी में बालक या बालिका के बीच कोई भेदभाव नहीं होता था। जिस प्रकार दो बालकों की आपस में दोस्ती होती है, उसी प्रकार वहां पे बालक और बालिकाओं के बीच भी दोस्ती होती थी। उनमें कोई अंतर नहीं होता था, कोई भेद नहीं होता था। जिस प्रकार दो बालक आपस में मिलते थे, उसी प्रकार से दोनों आपस में मिल सकते थे। इसमें कोई भी बाधा या कोई भी नियम नहीं था। यहां तक कि रात में पूरे गांव के लोग एक साथ ही सोते थे, एक छत के नीचे ही सोते थे। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। उस गांव के युवाओं को काम वासना के विचारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विचार आते ही नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी वहां पर पहुंच गए, और जब उन्होंने ये माहौल देखा तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया।
उनको उपदेश देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये आप घोर पाप कर रहे हैं। बालक और बालिका हमेशा अलग अलग होने चाहिए, उनमें दूरियां होनी चाहिए। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती, वो एक इंसान का पतन कर देती है, और इसीलिए वहां पर कुछ नए नियम बनाए गए। और उन नए नियमों के अनुसार अब मेल और फीमेल पहले की तरह दोस्त नहीं हो सकते थे, दो बालकों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकते थे, और अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए थे, लेकिन इसी से उस गांव के युवाओं का और उस गांव की युवतियों का पतन होना शुरू हो गया। अब तक उन्हें काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उस गांव के युवक और युवतियों के बीच दूरी बना दी, वहीं दूरी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। याद रहे, जब तक दो इंसानों के बीच दूरी नहीं होगी, तब तक आकर्षण या फिर कहीं खिंचाव एक दूसरे की तरफ पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दो इंसानों के बीच दूरियां बना देते हैं, वैसे ही एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खिंचाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब उस गांव के युवा और युवतियां एक दूसरे का विचार करने लगे, शारीरिक संभोग से हटकर मानसिक संभोग करने लगे, और यही उस कम्युनिटी का सबसे प्रमुख पतन का कारण बना। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति ने हमें दिया है, और ना ही उससे हमारी ऊर्जा उतनी खर्च होती है जितनी की मानसिक ऊर्जा से होती है। तो मानसिक ऊर्जा का पनपने का सबसे मुख्य कारण होता है युवक और युवती के बीच की दूरी। जब भी आप किसी युवती से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई युवती किसी युवक से बात नहीं कर पाती है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तब तब उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर उनके मन में एक दूसरे से संवाद चल रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी युवक मानसिक काम वासना से ग्रस्त है, उसके विचार हमेशा दूसरी युवतियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ख्याल करना चाहिए। उसे अपना कदम बढ़ाकर उन युवतियों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो उनसे बात करने लगेगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि जो विचार, जो काम वासना उसके दिमाग में भरी हुई थी, वो काम वासना अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक समय पर वो पाएगा कि जिस स्त्री के विचारों में वो हमेशा गिरा रहता था, उसके कामों को विचार पनपते रहते थे, अब उसी स्त्री से संभोग करने का ख्याल उसके मन से पूरी तरह से विलीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपनी काम वासना से उलझो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे मानो कि हाँ, तुम हो, तुम वही हो, तुम काम हो। तुम्हारे विचार काम वासना से घिरे रहते हैं, और उससे तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्वीकारने की जरूरत है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ध्यान के मुख्य केंद्र बदलने लगते हैं। और उसके बाद जब तुम अपने काम वासना के विचारों से बचना बंद कर देते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद स्त्री के पास उससे बात करने से हिचकना नहीं है, उससे स्वाभाविक तरीके से बात करनी है। जिस तरह से दो लोग आपस में बातें करते हैं, मनुष्य का मन तो इतना चंचल है, इतना अनियंत्रित है, कि वो अगर किसी जानवर को भी संबोधित करते हुए देख लेता है, तो भी काम वासना के विचारों से भर जाता है। इतना चंचल और इतना कामुक मन सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है, क्योंकि आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उससे बचना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि जिस भी चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं, उस पर से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है। जैसे कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो, आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, लेकिन शादी करते ही आप उसे अपना बना लेते हो, आप स्वीकृत कर लेते हो, और प्रेम विलीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप रास्ते पर कोई वाहन देखते हो, तो आपका ध्यान उस पर बार बार जाता है, लेकिन जब आप वाहन खरीद लेते हो, जब उसे अपना बना लेते हो, जब आपका ध्यान उस पर कभी ज्यादा ही नहीं, क्योंकि वो चीज स्वीकृत हो गई, आपके मन में उसे स्वीकार कर लिया। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार करना सीखो। जिस भी आदत को तुम बदलना चाहते हो, उस आदत से उलझने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो, तो अपने आप ध्यान वहां से हट जाता है। लोग पूछते हैं कि आज के समय में इतनी कामुकता हमारे आसपास भरी हुई है। जब भी हम अपना फोन चलाते हैं, जब भी हम इधर उधर निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई प्रमुख दृश्य देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को बचाए बचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये सवाल कर रहे हैं, वो अपनी कामुकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्य देखते हैं और देखकर आगे निकल जाते हैं। आपको क्या प्रयोजन है उससे बचने का? आपने उसके लिए तो रास्ता नहीं चुना था,
उसे देखने के लिए तो आप उस रास्ते पर आगे नहीं गए थे, वो तो रास्ते में खुद ब खुद आ गई और तो खुद ब खुद चली भी जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बचना शुरू कर देते हैं तो अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज को पूरी तरह से जगह दे देते हैं, और जब वो चीज जगह पा जाती है तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य आपके मन पर बना लेती है। जब तक आपका मन काम, वासना या संभोग से ऊपर के आनंद को नहीं जानेगा, जब तक उसका स्वाद नहीं छकेगा, तब तक उसे काम, वासना या संभोग से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप उस परमानंद का स्वाद छक लेते हैं, उसी दिन से आपको पता चल गया कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, क्योंकि परमानंद से अधिक आनंद किसी चीज में नहीं होता। इसीलिए ध्यान के द्वारा एक बार उस परमानंद को छक कर जरूर देखें, और एक बार अगर आपने उस परमानंद को छक लिया तो फिर आपका ध्यान अपने आप उस परमानंद को पाने के लिए केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने विचारों से उलझना नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि काम, वासना या संभोग से भी महत्वपूर्ण इस दुनिया में दूसरा कोई आनंद होता है। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको तनिक सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि किसी ना किसी रूप में ये वीडियो उनकी मदद जरूर करेगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।